भारत की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित अनेक लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताते हुए लिखा कि लता दीदी के गानों ने कई तरह के इमोशंस को उभारा। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्मों से परे वह हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थी। वह हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देश देखना चाहती थी। गौरतलब है कि लता मंगेशकर पिछले कई दिनों से बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। वे पिछले 15 दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को आज अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर के निधन के समाचार से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। तमाम संगीतकारों ने उनके निधन को एक बड़ी क्षति बताया है।